वेलकम एवरीवन। आज हम लोग इस टॉपिक में पता है फैक्टराइजेशन लेके चल रहे हैं। फैक्टराइजेशन अलजेब्रा का बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अलजेब्रा में, और ये अगर समझ में आ जाए तो बहुत सी चीज़ें हम लोग जो है, क्योंकि ये बहुत इजी मेथड है और बहुत ही आसानी से हो जाता है अगर हम प्लस माइनस का थोड़ा सा ध्यान रखें। फैक्टराइजेशन के कई मेथड हैं। अब यहाँ आज हम जो पहला लेके चल रहे हैं वो है फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर। क्या क्या हमें कॉमन निकलना है आज हम उसको देखेंगे। ओके, तो जैसे फॉर एग्जांपल पहला क्वेश्चन हमने ये लिया, 25ABC² माइनस 15A² B² C², धीरे धीरे पेशेंसली ध्यान से देख के करोगे बेटा, एक बार में ही क्वेश्चन सही होगा। अगर आप 100 बार नहीं करना चाहते हो तो एक बार ध्यान से करो तो गलती होने के चांसेस ही नहीं है। ओके, आप दूसरे काम नहीं, जब ये कर रहे हो तो मैथ्स मैथ्स ही होनी चाहिए। चलिए अब शुरू करते हैं। ये देखिए, ये 5 की टेबल में आता है, ये भी 5 की टेबल में आता है। ये 5 3 जा है, ये 5 5 जा है, यानी कि यहाँ से हम 5 को कॉमन निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे जहाँ लेटर्स लिखे हैं उसमें कई मेथड हैं। इसमें आप एक इस तरीके से भी देख सकते हो कि यहाँ पे देखो तो ए है और यहाँ पे ए स्क्वायर है। ए स्क्वायर का मतलब क्या है, आपका ए इंटू ए, तो एक ए यहाँ से ले सकते हैं और यहाँ से एक ही ए मिलेगा। ओके, अब दूसरा यहाँ पे देखिए, बी एक ही है तो यहाँ से भी एक ही बी ले सकते हैं क्योंकि यहाँ बी और है नहीं। हाँ, सी स्क्वायर यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो वॉट वी कैन टेक कॉमन, 5ABC। अभी हमने C निकाला है, सी स्क्वायर भी ले सकते थे आप एक बार में, लेकिन हमने दिखाने के लिए कि ऐसा हो तो आपको दोबारा एक बार और करना पड़ेगा। अब यहाँ क्या बचा, 5 तो चला गया, 5 इंटू 5 में से 5 बचा। यहाँ क्या बचा, C माइनस 3ABC। अब हमको क्लियर दिख रहा है कि देखो ये C भी निकाल सकते हैं, तो इन दिस वे या तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, 5ABC² 5 माइनस 3AB, सो दिस इज़ द आंसर। चलिए वन मोर क्वेश्चन, x² + yz xy² z xyz² बेटा इसमें ध्यान से देखो, यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर 2 है, तो मिनिमम हम कितनी ले सकते हैं, x ले सकते हैं। अब यहाँ देखो y की पावर 1, y² फिर y की पावर 1, तो मिनिमम y हम निकाल सकते हैं, इसी तरीके से z निकाल सकते हैं। तो इन तीनों में हम क्या निकाल सकते हैं, एक्स वाई जेड तीनों में से कॉमन निकाल देंगे। तो अब यहाँ से एक्स वाई जेड चला गया, तो एक एक्स चला गया, एक एक्स बचा यहाँ पे, यहाँ पे एक्स चला गया, जेड चला गया, आउट ऑफ 2y एक वाई चला गया, तो एक वाई बचा, और यहाँ पे एक्स वाई भी चला गया और जेड के 2 थे तो एक बचा। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या होगा, एक्स वाई जेड और ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई प्लस जेड। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को इन क्वेश्चंस में बहुत इंटरेस्ट आ रहा होगा। चलिए एक और करते हैं, 15A(2P-3Q) माइनस 10B(2P-3Q). ओके, अब यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे हमें पूरा ये ब्रैकेट दिखाई दे रहा है, तो इस ब्रैकेट को हम कॉमन ले लें, तो हमारे पास क्या बचेगा, जो ब्रैकेट के बाहर वाला, यानी 15A - 10B। अब यहाँ हम देख रहे हैं 5 के टेबल में ये भी आता है, ये भी आता है, तो यानी हम 5 भी कॉमन ले सकते हैं। तो अब 5 जो कॉमन ले रहे हैं ना, उसको यहाँ ना लिखने की बजाय नंबर को सबसे पहले लिखने की कोशिश की, 5 यहाँ लिखा, ये वाला ब्रैकेट एस सच उतार दिया, तो यहाँ हमारा बचा 3A - 2B, क्योंकि 5 3 = 15। हमेशा मल्टीप्लाई करके ओरली चेक कर लो कि ये वाली चीज़ आ रही है कि नहीं। अब देखो 5 2 = 10 और बी ए लिखा हुआ है, तो यहाँ लिख दिया माइनस साइन के साथ। तो मुझे समझ में आ रहा है कि आपको इसमें इंटरेस्ट आ रहा है। और अब हम जो है दूसरा मेथड लेने जा रहे हैं, फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग ऑफ टर्म्स। इसमें क्या करना है, बिल्कुल वैसे ही है, नाम थोड़ा सा वो हेर फेर है, करना वही काम है, कॉमन ही निकालना है। देखिए यहाँ पे 3 चीज़ें दी हैं, 5PH - 10QK और -4QRK, बड़ी आफत है, इतने सारी चीज़ें दी हुई हैं 4 चीज़ों में। अब इन दोनों में देखो तो 5 की टेबल बड़े आराम से निकल ली, तो 5 हमने निकाल दिया, pH रह गया -2QK। अब यहाँ पे देखो 2 2 = 4, तो 2 तो आराम से निकलेगा, और दूसरा आप देखो ये R यहाँ भी आ रहा है, R यहाँ भी आ रहा है, तो R भी हम निकाल देंगे, तो 2R कॉमन निकाला, तो यहाँ बचा pH - 2QK। अब देखिए ये वाला जो है ना, ये वाला ब्रैकेट
ये पूरा का पूरा हमारा कॉमन निकल आएगा। तो हमारा हो गया पी एच माइनस टू क्यू के और दूसरे ब्रैकेट में 5 + 2 R। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए और ट्राई करके देखते हैं। ये है ए क्यूब प्लस ए बी 1 - 2 A ब्रैकेट में -2B². अब इस जटिल समस्या को सुलझाने के लिए हम पहले क्या करेंगे, ए बी से इसको मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं। चलिए ओपन करा तो ए क्यूब इसको 1 से मल्टीप्लाई किया प्लस ए बी, ये -2। अब देखो ये ए और ए मिलके ए स्क्वायर बी -2B² ओके। अब अगली टर्म में क्या करते हैं चलिए देखते हैं। इसको हमने ज़रा और कायदे से लिख लिया, ए क्यूब को लिखा और -2A² प्लस ए बी -2B² बस, मतलब ये वाला इसके साथ ले दिया है और ये वाला इसके साथ ले दिया, थोड़ी सी चालाकी कर दी है, थोड़ा सा हेर फेर किया है। अब बेटा यहाँ पे क्या किया, जब इसको ले दिया अब इसमें हमें बड़े मज़े से यहाँ ए की पावर कितनी है 2 और ए की पावर 3, तो ए की पावर 2 हमने कॉमन ले दी, तो यहाँ बचा ए -2B और यहाँ देखो सिर्फ बी निकल के आएगा, तो ए -2B। अब ये ब्रैकेट दोनों में कॉमन है तो इसको ले देंगे ए -2B और ब्रैकेट में हमारा बचा A² + B। सो दिस इज़ द आंसर। चलिए अब आगे और क्वेश्चन ट्राई करें। आगे देखिए ये ज़रा और बहुत इजी है, 3X² - 3XY + 12X - 12। बड़ा मज़ा है, अब समझ में आ रहा है, यहाँ तो हम जो है बड़े मज़े से जो है 3 कॉमन ले दें, यहाँ भी 3 कॉमन 3 कॉमन, तो चारों टर्म में हम क्यों ना 3 कॉमन ले दें। यही करते हैं, 3 कॉमन लेते हैं, कर्ली ब्रैकेट बनाते हैं, ये वाला कॉपी किया X² - XY + यहाँ पे बचा 4X और यहाँ बचा -4। अब इसको फिर ये कर्ली ब्रैकेट बनाया, इसमें हमें बड़े मज़े से दिख रहा है क्या कॉमन आएगा, XY, क्योंकि यहाँ पे X² है तो एक X तो निकल ही आएगा, तो XY। अब ब्रैकेट में क्या बचा, यहाँ पे स्क्वायर में से एक चला गया ये। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो X² Y यही टर्म आएगी, और यहाँ तो XY पूरा का पूरा आया है बेटा, तो 1 आएगा, याद रखना 0 नहीं आएगा, और यहाँ पे हमने +4 कॉमन ले दिया तो X - 1। तो आंसर हमारा हो गया ये 3। अब ये कॉमन वाला X - 1 XY + 4। चलिए अब एक और जल्दी से शॉर्ट में क्वेश्चन कर लेते हैं, अब आपको क्योंकि समझ में आ रहे हैं। क्वेश्चन है इस तरीके का, X - 1 - X - 1 का होल स्क्वायर प्लस AX - B। अब बड़ी समस्या है, समस्या तो कोई है ही नहीं बेटा, थिंकिंग पावर है बस। इसमें अगर हम बेटा यहाँ पे ब्रैकेट लगाते हैं ठीक है, और इन दोनों में हम दिमाग लगाएं तो देखिए A कॉमन निकल आएगा, यही करते हैं। यहाँ हमने ब्रैकेट लगाया, इसको ऐसे ही कॉपी किया और यहाँ पे ए कॉमन है। अब बड़े आराम से हमको दिख रहा है कि X - 1 कॉमन ले सकते हैं। अब X - 1 कॉमन लोगे ना तो यहाँ पूरा चला गया तो ये 1 आएगा, ये माइनस साइन कॉपी करेंगे, इसमें से X - 1 इधर आ गया है तो ये बचा और ये प्लस ए बचा है ठीक है। और X - 1 इसके बाद अगर और आपको थोड़ी मेहनत करनी है तो कर दीजिए 1 - X और ये -- जोड़ के प्लस हो जाएगा, तो प्लस और ये प्लस ए। तो अब बेटा हमारा पता है क्या आंसर आएगा, आंसर हमारा आएगा X - 1 और दूसरे ब्रैकेट में आएगा देखो 1 + 1 2 और ए और -X A + 2 - X, तो ये आंसर हो जाएगा। तो आई होप सो यू अंडरस्टूड दिस फैक्टराइजेशन का जो है समझ में आ गया होगा। और फिर वही बात कि अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए कि आपको और कैसे सवाल चाहिए, और अच्छा लगे तो उसका भी कमेंट में दीजिए ज़रूर। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करिए, अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिए। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माई वीडियो।